अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कला कला, तू उल्टियां क्यों कर रही है? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि तू दीपक के जाने के बाद उसके बच्चे को जन्म देने वाली है? हाय रब्बा, मैं खुश हूं या इसकी फिक्र करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिमी, सिर्फ उल्टी के आधार पर हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई प्रेग्नेंट है कि नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ये प्रूव होगा कि ये प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। कला, तो फिर से कोई नई चाल तो नहीं चल रही है ना? क्योंकि पिछली बार जो तूने पेट से होने का नाटक किया था ना, वो कोई भूला नहीं है। पर इस बार कला को कोई चालाकी करने का चांस नहीं मिलेगा। मैं खुद अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ जो कला का चेकअप करेगा। उसके बाद जो भी सच होगा ना, सबके सामने आ जाएगा। कहीं ये कला सच में कोई चाल तो नहीं चल रही? अगर ऐसा हुआ तो तेज इसे पक्का घर से बाहर निकाल देगा, और इसके बिना मैं तेज और दालचीनी को अलग कैसे करूंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कला प्रेग्नेंट है। भरजाई जी, सुना आपने? कला प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मेरा दीपक वापस आ रहा है। क्या हो गया अचानक? मेरा परिवार मेरे खिलाफ था, उन्होंने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे घर से किसी को भी सर जी, एक बार और मेरे ऊपर भरोसा कर देख लीजिए। मैं सच कह रही हूँ सर जी, मैंने दीपक को नहीं मारा। दालचीनी, मैंने वही किया जो सही था। किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आप और मैं इतने दिनों बाद साथ आए हैं, मैं तो इसी में खुश हूं। और खुश इसलिए भी हूं कि कला मां बनने वाली। शायद मां बनने के बाद मैं बदल जाए। क्यों, तुम ठीक हो? पता नहीं तेज सर जी, पर बहुत डर लग रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है कि ये खुशी कहीं छीन ना जाए। एक सेकंड, और जब हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो मुझे हमारे बीच की जो दूरी है ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या करो? अगर वो बच्चा आ गया, मैं तेज को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। जिंदगी पर पक्की विधवा बन के जीना होगा मुझे। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। मैं विम्मी ढिल्लों बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरी बहू माँ बनने वाली है। तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि आपने जो मुझे बताया था, क्या वो बात सच होने वाली है?
धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे करूंगी, कोई अपशगुन होने की गुंजाइश नहीं है, सारी तैयारियां मैं खुद करवाऊंगी। अब तो पंडित जी ने भी कह दिया कि मेरा दीपक ही वापस आ रहा है। अब तो मैं कला को अपनी नजरों से एक मिनट भी दूर नहीं होने दूंगी। कई बार सुना है मैंने, पढ़ा है, देखा है कि नई नई प्रेगनेंसी में अगर पेट के बल गिर जाओ तो बच्चा मर जाता है। तेज को हासिल करने के लिए मैं इतना दर्द तो सही सकती हूँ। कला, ये क्या करने चली थी? मेरा पैर फिसल जाता, इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? क्यों रोका मम्मी जी, मुझे मर जाने देते ना। जब से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आज दीपक पता तो कितना खुश होता। मुझे नहीं जीनी है खुशी, मुझे मर जाने दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मेरे बच्चे नहीं। मैं तेरा दर्द समझ सकती, लेकिन इस सब में इस नन्ही सी जान, इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं ना। मेरी आज ही पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बच्चे के रूप में दीपक ही वापस लौट रहा है, हमारा दीपक आ रहा है, और ये तो खुश होने वाली बात है ना। हाँ, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगी। तो मेरे साथ रहेगी आज से मेरे कमरे में, मैं तुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी, तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। मर गए मतलब अब हमेशा मम्मी जी की नजर के सामने रहना पड़ेगा। विम्मी बिल्कुल सही कह रही है। कला, ये गोंद के लड्डू खास मैं अपने हाथों से बना कर लाई ताकि छोटा दीपक स्वस्थ पैदा हो। ये ले। विमी, मैं एक मिनट के लिए तेरी बहू को अपने साथ ले जाऊं। कहां पर जाएगी? ओहो, चिंता क्यों कर रही है? अब इतनी अच्छी खबर आई है कि कला प्रेग्नेंट है, मुझे लगा कि उसकी नजर उतार दी जाए। ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल ले जाइए परजाई जी। चल ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे। क्या मीरा को घर में भेजना सही होगा? अतीत में जो कुछ भी हुआ छाया, उसका जिम्मेदार उनका छोटा बेटा पार्थ था, अब वो वहाँ नहीं है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। दिमाग खराब हो गया, बच्चा किराने जा रही है। ये बच्चा नहीं, बोझ है। दीपक की निशानी नहीं चाहिए मुझे, दीपक की कोई भी निशानी, मार दूंगी मैं इसे। कला, भगवान ने जो ये दिमाग दिया ना, उसका कभी कभी गलती से इस्तेमाल कर लिया कर। ये बच्चा ध्रुव का इक्का है और यही बच्चा तुझे तेज के करीब लेकर जाएगा। इस हालत में कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दे। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती थी। विमी ने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी ने कहा कि आने वाले बच्चे के लिए हमें खास पूजा जरूर करवानी चाहिए, और मैं भी विमी की बात से पूरी तरह से सहमत। पंडित जी ने कहा है कि ये पूजा बिल्कुल गोद भराई की सेरेमनी की तरह होनी चाहिए, जहाँ पर 7 सुहागने आएंगी, बच्चे की आरती करेंगी। पर पंडित जी ने एक बात और कही है कि अगर इस पूजा में कोई भी विघ्न बाधा आए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा। ऐसे कैसे कोई विघ्न आ जाएगा परजाई जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे कला का। आप लोग चिंता ना करो, मेरा दीपक वापस आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी पूजा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी।
सुनो कपड़ों में तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैं तो कहता हूँ कि इससे शादी कर। आप बिना कभी भी शुरू हो जाते हो। आइए ना, तुम इस पूजा में खुशी खुशी कैसे शामिल हो? कुछ टाइम पहले तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पति पे इल्जाम लगाया था ना कि वो उसके बच्चे का बाप है, और अब तो उसकी गोद भरा की पूजा भी हो रही है। कहीं इस बच्चे का बाप तुम्हारा पति तो नहीं? पिछली बार जो मेरी बहन ने इल्जाम लगाए थे वो बेबुनियाद थे, झूठे थे, और मेरा ये मानना है कि आपको हमारे घर में इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हमें इस पूजा में बुलाया गया है, अगर ये बच्चा पाप का जाना है तो हम इस पाप में भागीदार क्यों बने? अगर आप लोगों की सोच ऐसी ही है ना, तो आप लोग हमारे घर से जा सकते हैं। अरे सुनिए बहन जी, आप किधर जा रही हैं? अभी तो पूजा शुरू भी नहीं करी हमने, और शुरू होगी भी नहीं। तुम्हारी बहू दालचीनी कितनी बदतमीज है, ऐसे घर में कोई रुकेगा भी नहीं। चलो यहाँ से। नहीं 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 रुकिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ये बच्चा हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे दीपक की, मेरे मरे हुए बेटे की आखिरी निशानी है। एक भी दिन हम सबको चैन से जीने नहीं दे सकती ना तू? जिस पूजा से तेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तेरा उसमें टांग अड़ाना जरूरी था क्या? विम्मी चाची, ये लोग कला के बच्चे के बारे में ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। हाँ तो मैं थी ना यहाँ। चलो माफी मांग इनसे हाथ छोड़। एक सेकंड विम्मी चाची, दालचीनी क्यों माफी मांगे जब उसने कोई गलती करी नहीं है? तो कला, 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 पानी लेके आ, जल्दी कर, कला, 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 होश कर, पुत्र होश कर। दालचीनी, क्या इस घर में कोई भी चीज शांतिपूर्वक नहीं हो सकती है? क्या दुश्मनी है तुझे हमारी खुशियों से? तेरी वजह से इस लड़की की क्या हालत हो गई? अगर कला के बच्चे को कुछ हो गया ना तो अगर इस बार मेरे दीपक के बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे वाकई में जिंदा जला दूंगी। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था दालचीनी। आज का दिन खत्म होने से पहले मैं कला की इतनी बेइज्जती करवाऊंगी लोगों से कि आखिर मजबूर होकर कि तेज इसके बच्चे को अपना कर कला से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आज तो बच्चा बच गया, लेकिन कंडीशन अभी भी नाजुक है। कला इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाएगी। अगली बार अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चे की जान भी जा सकती है। आज के बाद अगर तू मेरी बहू के आसपास भी नजर आई ना तो मैं वादा करती हूँ तुझसे कि तू इस घर में दोबारा नजर तक नहीं आएगी। चाची मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझकर पूजा में बाधा नहीं डाली, वो तो वो औरतों पर मुझे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो अपने बच्चे को अनाथ ना। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूंगी। तुझे वादा करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा कि तू कला के आसपास भी नहीं दिखेगी। अरे मैगजीन छोड़ और प्लान के लेवल 2 को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जा। दौड़ती हुई कहाँ जा रही है? कला, कला, ये कला इस हालत में कहाँ भाग रही है? कला,
रुक जाओ कला। कला। अरे हिम्मत कैसे मेरे हाथ पकड़ने की, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये तो वही है ना, इसके जेठ के साथ इसका हमेशा टांग का भिड़ा रहता है। अरे पति तो रहा नहीं, हमें ही मौका दे दे। ए, हाथ छोड़ इसका, हिम्मत कैसे हुई कला को हाथ लगाने की? क्यों बे, तुझे बहुत मिट्टी लग रही है, पति है क्या तू इसका? भागो यहाँ से। तुझे क्या? पूजा में जो कुछ भी हुआ उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सच तो ये है कि समाज में जिस औरत का पति नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और मैंने जो कुछ भी हरकतें बीते हुए वक्त में की उसके बाद ये लोग, ये समाज ये बातें बनाना कभी बंद नहीं करेंगे। और बस मैं तंग आ गई, मेरे अंदर और ताकत नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इनके ताने। मम्मी जी यही सोच लेना कि आपके बेटे की तरह आपकी बहू भी मर गई। कला प्लीज ऐसी बातें मत करो, हम सारे परिवार वाले मिलकर कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे इस चीज का। क्या सलूशन निकालेंगे तेज, क्या सलूशन? क्या आप सब लोग मिलकर मेरी दूसरी शादी कराने के लिए मान जाएंगे? क्योंकि मेरे सामने इसके अलावा और कोई भी सलूशन नहीं है मुझे और मेरे बच्चे को एक इज्जतदार जिंदगी देने का। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ ये बात बोली है कि कला के पेट में जो बच्चा है वो मेरे दीपक का ही दूसरा रूप है। इसलिए इस बच्चे को तो मैं इस परिवार से कतई दूर नहीं जाने दूंगी। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, ये बच्चा हमारा खून है, हम किसी पराए आदमी के हाथ में अपने बच्चे को क्यों सौंपेंगे? मॉम, मम्मी चाची एक बार आराम से सोचे, हमारे पास और कोई तरीका भी तो नहीं है ना? कला जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, हमें कला की दूसरी शादी करा देनी चाहिए, आफ्टर ऑल इसकी भी तो पूरी जिंदगी इसके सामने पड़ी है अभी तक। ठीक है फिर कर देते हैं दूसरी शादी, अगर आप सब लोगों का यही फैसला है तो मैं सहमत उस फैसले से, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, कला की शादी होगी मगर तेज के साथ। क्योंकि अपने दीपक के बच्चे को मैं इस परिवार से दूर, इस परिवार से बाहर नहीं जाने दूंगी। सुन लिया आप सबने? विमी चाची कैसी बातें कर रही हैं आप अच्छे से जानती हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। इस लड़की से रिश्ता जुड़ने से पहले तेरा रिश्ता दीपक के साथ है तेज, तो उसके बच्चे को अपना नाम देना, इस परिवार का नाम देना तेरा फर्ज नहीं है। आप लोगों ने मेरे बेटे को तो छीन लिया मुझसे, अब मेरी बहू और मेरे पोते को भी छीन लो। और पंडित जी ने कहा ना कि वो दीपक की निशानी है, और चाची ने एक बात तो सही कही ना कि दीपक के बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। दालचीनी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब करने के लिए मान कैसे रही हो। पता है तुम जो ये डिसीजन ले रही हो ना, इससे एक नहीं तीन तीन जिंदगियां खराब होंगी, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? कैसे नहीं सोच सकती हो तुम अपने बारे में, तुम्हारा क्या होगा? मुझे पता है कला ने हमेशा बहुत बुरा काम किया है, मगर अब वो एक बच्चे के साथ है, कैसे मैं उसे ऐसे बीच मझदार में छोड़ दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मुझे तेज सर जी की ढाल बनकर उनकी रक्षा करनी होगी। मुझे तेज के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेगा, शायद मेरी और मेरे बच्चे की किस्मत में यूं ही मरना लिखा है।
नहीं कला, मैं तेरे से बात कर रही हूँ, मैं समझाऊंगी इसको। ये तू क्या कर रही, पागल है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कला, तू पागल हो गई है। कला चुप हो, कला कला क्या पागल बने, क्या पागल बने है, क्या किया तूने? तेज कला, कला ये क्या कर लिया तूने? तेज कला बेटा, वो देख अगर कुछ हो गया। कला कला जाओ, कला को इसने हाथ काट लिया, अपने से हॉस्पिटल लेके जाना, जल्दी उठाओ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई भी फैसला ना जल्दबाजी में मत करना। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे कला का बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और हमारा रिश्ता भी। ठीक है, मैं कला से शादी करने के लिए हाँ कर देता हूँ।